बीजेपी नेता पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सदस्य रमाकांत यादव ने शासकीय भूमि को बिक्री कर दिया, जिन पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय वन भूमि पर कब्जा कर मकान बना कर रह रहे हैं और शासकीय भूमि को बिक्री भी कर रहे हैं और भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सदस्य भी हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय बोर पर कब्जा किया है और ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। ग्रामीण पानी लेने जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है और गाली गलौज की जाती है। बोर पर मोटर डालकर अपना इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो बिजली का कनेक्शन नहीं है। कटिया फांस कर खेत की सिंचाई की जा रही है। धौंस देते हुए नेताजी कह रहे हैं कि विधायक ने उससे व्यक्तिगत बोर दिया है। स्थानीय निवासी राम सिया यादव ने बताया कि हमारे पिता को वन विभाग से जमीन का पट्टा दिया गया था, जो कि रमाकांत यादव ने फर्जी तरीके से हमारी जमीन को हड़पने में लगा है और हमें भाजपा नेता होने की धमकी देता है। इसी तरह कुछ दिनों पहले हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आया था और झूठी शिकायत दर्ज कर अतरैला पुलिस हम लोगों को उठा ले गई थी और हम लोगों के साथ मारपीट की थी। ऐसा ही मामला चंद्रशेखर मिश्र के साथ हुआ। 9,000 रुपए में शासकीय जमीन को बेच दिया गया था। ऐसे ही कई मामले दर्जनों लोगों ने बताया कि शासकीय भूमि की बिक्री कर लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। वहीं अपनी भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नेतागिरी का धौंस दिखाकर शासकीय भूमि पर कब्जा करता और फिर उसी जमीन को बेचने का कार्य कर रहा है। तहसीलदार उमेश तिवारी विधिवत सुनवाई करके प्रकरण का निराकरण किए हैं, जिससे वह न्यायालय पर अनावश्यक दबाव बनाकर न्यायालय अवमानना का कार्य कर रहा है। तहसीलदार पर दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। SDM PK पांडे व राजस्व अधिकारी और वन विभाग के साथ SDM PK पांडे ने रमाकांत यादव पिता मन विश्रामन यादव ने ढकरा गांव जाकर मौके पर देखा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है और बताया कि जिसे रास्ते की मांग कर रहा है वहां पर कुछ किसानों की खेती वाली जमीन है और शासकीय वन विभाग की जमीन है और 2 किलोमीटर का रास्ता चाहता है, जिससे वह शासकीय भूमि पर कब्जा कर बिक्री करने की योजना है, जबकि उसके घर गांव का रास्ता 500 मीटर की दूरी पर है, वहां से वह रास्ता नहीं चाहता है। ग्रामीणों ने रामकांत यादव की करतूतें SDM PK पांडे के सामने रखी हैं। वहीं SDM ने बताया कि शासकीय भूमि बिक्री करने के दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो रामकांत यादव के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और फाइल दर्ज हुई है सर, वो जून में और रिपोर्ट गई है मार्च की डेट में। हाँ, दर्ज हुआ है सर अगस्त में, जुलाई में आदेश राम सिया। राम सिया यादव, क्या समस्या थी? पिता सुनाथी साहब, हमारे वन भूमि से पिताजी का पट्टा मिला रहा तो हम ही कहा करी नहीं कि फर्जी पट्टा बनवा के हम हिस्सा लेवा चाहते हैं। आज तक ओकर न कब्जा न कुछ, अगले साल यही महीने में नाप कराई मैंने, आज नाप होकर कल शाम के हमको सम्मान मिला। तो हम सवेरे जे यानी पटवारी साहब अरे जहाँ आए तो हम विनती करें कि साहब हमका 8 दिन का मोहलत दिन जाए, कहीं नहीं दिन ना दिन जाए, फिर बाद में कहीं दिन जाए। शाम के 5 बजे हम लोगों को बुला के उठवा ले गए, वहाँ बेड़वा के मरवाई पिटवाई, कहाँ नाप कराई? इसी जमीन में साहब। अरे कहाँ उठा के ले गए? अतरैला थाने में। 188 में शिकायत भर किए थे, आज तक शिकायत कटाई नहीं, ये जहाँ जहाँ किए कुछ कटाई नहीं, उसकी मतलब पेशी चला थी। हाँ, दीवानी लगी थे उधर। तो पट्टे की जमीन आपकी है? जी, हमारे पिताजी के नाम वन भूमि से पट्टा मिला रहा है, ना पुरखाती है ना कुछ, हमारे व्यक्तिगत पिताजी का मिला। हाँ, तो उसमें कौन मतलब ये फर्जी तरीके से काम कर रहा है? ये रमाकांत करा रहा, मन विश्रामन का लड़का। हाँ हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? साहब हम पाँच बॉय जो दूसर के नहीं, चार भाई हम पाँच कब्जा करे हैं। आज वो डेटमा है वो अरहर जंधेरी या लहिला बोए हैं और वह कहते कि हमका कब्जा दिलावा जाए, इनके बाद ही रामसन बैठ। आपका चंद्रशेखर मिश्रा। कौन जमीन बेचा था आपको? मन विश्रामन। कितने में बेचा था? 9,000 में दे रहे। कब बेचा था? अरे आज ये कम से कम 40 साल हो गया। लिखा पड़ी हुई थी आपकी? हाँ साहब, शंकर परवारी रहे दुबे बरुआ। आपको मालूम थी ये सरकारी जमीन थी? हाँ सरकारी तो रही, हम कहा जानी है। तब भी आपने खरीद लिया? भाई पिताजी लाई ली। अच्छा, पिताजी लिए थे। हाँ, कितने साल हो गए? 40 से कम नहीं भाई। यहाँ आए तो यहाँ रहते भी हैं? रहते भी हैं, रहाइश भी है आपकी? क्या नाम है? हमारा नाम सोनू यादव है। क्या समस्या थी? समस्या है साहब, सरकारी जमीन सरकारी तरफ से बोर भा
पिए के पानी का साफ पानी नहीं पिए ऊपर से बोर में मोटर घुसे रही है कनेक्शन तक बन कर दूसर कराब तुरंत ऑब्जेक्शन लगा कौन रमाकांत यादव जी फिर हवे साहब के सरकारी नल में हुआ कथा हुआ मोटर घुसे रही कनेक्शन नहीं कराया है हुआ पिए तक पानी नहीं देता है आप लोग पानी को लेने जाते मना करता है क्या क्या बोलता है बोलता है कि हम अपने तरफ से हमारे लिए विधायक विधायक हमें दिए कनेक्शन है बोर का उनका कुछ नहीं है कहना चाहेंगे नहीं अभी हम यहाँ ग्रामीणों से चर्चा किए हैं उनके पिताजी से भी बात किए हैं उनके घर भी गए हैं तो जो जिस भूमि से रास्ते की मांग कर रहे हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में भी वन भूमि दर्ज है और वन विभाग के भी अधिकारी आए हैं यहाँ पे उनके रिकॉर्ड को भी देखा गया है उसमें भी वो वन विभाग की भूमि है जिसमें से कोई भी राजस्व अधिकारी किसी प्रकार का रास्ता नहीं दे सकता है और इसके अतिरिक्त जो है ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि उनकी जमीन थी रोड के पास में जो कि उनने अपने भांजे को दे दिया है और यहाँ आकर के ये लोग बस गए हैं अब ये टीले पे बसे हुए हैं वहाँ से जो ग्रामीण जो सड़क है जो पीसीसी रोड है वो पास में ही है और उसके लगी हुई जो है उन्हीं की ज़मीन है जो कि उनने कुछ किसी को गहन वगैरह दे दिया ऐसा उनके पिताजी बता रहे थे तो उस जमीन से उनका जो है निकट पड़ेगा जाने के लिए मुख्य सड़क पे वो ये चाहते हैं कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर जो अन्य लोगों को उसमें से कुछ लोगों को पुराने 57, 58, 56 के पट्टे भी मिले हुए हैं उन लोगों की भूमि से वो चाह रहे हैं कि इस ज़मीन से हमको रास्ता दे दिया जाए जो कि संभव नहीं है ग्रामीणों का कहना है सर कि उन्होंने मतलब सरकारी ज़मीन को बेचा हुआ है इस पर क्या है सर ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बता दिया है कि किसी से कुछ पैसे भी ले लिए एक दो लोग बता रहे थे कि एक सज्जन थे मिश्रा जी कोई वो बता रहे थे कि 9,000 में जो है हमको दिए है जबकि उनके पिता का कहना है कि ये ज़बरदस्ती जो है इसमें कब्जा कर लिए हैं तो उसके संबंध में उनने दस्तावेज भी उपलब्ध कराने बोला है वो आ जाएगा तो उसका परीक्षण करके देखेंगे क्या है सर